रंगमंच हो, टेलीविजन या फिर सिनेमा, अपने अभिनय और अपनी आवाज के जादू से सबका दिल जीत लिया, चाहे वो विलेन का किरदार हो या कॉमेडी। इनका नाम है ओम पुरी, पूरा नाम ओम राजेश पुरी। तो तू उस कुत्ते की औलाद है? कुत्ता तो वो था जो उस रात हमारे घर से दुम दबाकर भागा था। ठाकुर साहब, ये अपने आप को समझती क्या है? राम जाती, दो टके की नौकरानी, बुला सारे सक्सेना को, ए सक्सेना! कैसी कैसी कुतियाएं पाल रखी हैं हमारी तौहीन करवाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? मैं आपका दोस्त अवेन यदुवंशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टर ओम पुरी जी के बारे में। आज हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में कि उन्होंने कितना संघर्ष किया था और फिर वो जाके इस मुकाम पर पहुंचे। दोस्तों, ओम पुरी जी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को हरियाणा के अम्बाला शहर में हुआ था। ओम पुरी जी का पूरा नाम था ओम राजेश पुरी। पंजाबी परिवार में जन्मे ओम पुरी जी के पिता इंडियन आर्मी में काम किया करते थे और फिर आर्मी के बाद उन्होंने इंडियन रेलवे को ज्वाइन कर लिया और यही वजह थी कि अभिनय में कदम रखने से पहले ओम पुरी जी खुद चाहते थे कि वो फौज का हिस्सा बने, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, ओम पुरी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ननिहाल पंजाब के पटियाला से पूरी की थी। 1976 में पुणे फिल्म संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ओम पुरी ने लगभग 1.5 वर्ष तक एक स्टूडियो में अभिनय की शिक्षा दी। बाद में ओम पुरी जी ने अपने निजी थिएटर ग्रुप मजमा की स्थापना की। ओम पुरी जी ने अपने करियर की शुरुआत 1976 में आई मराठी फिल्म खासीराम कोतवाल से की। यह फिल्म इसी नाम के एक मराठी नाटक पर आधारित थी। ओम पुरी जी ने अभिनेता अमरीश पुरी, नसरुद्दीन शाह, सवाना आजमी और स्मिता पाटिल के साथ 1977 में आई फिल्म भूमिका से बॉलीवुड में डेब्यू किया। दोस्तों, ओम पुरी जी ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ग्रेजुएशन किया। जब नसरुद्दीन शाह के साथ ओम पुरी ने इस इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया तो फिल्म अभिनेत्री सवाना आजमी ने इन्हें देखकर मुंह बनाते हुए कहा था कि कैसे कैसे लोग हीरो बनने चले आते हैं। ओम पुरी और नसरुद्दीन शाह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बैचमेट थे। दोनों की दोस्ती 40 साल से अधिक समय तक रही। नसरुद्दीन शाह ने कई बार ओम पुरी की आर्थिक रूप से मदद की। ओम पुरी जी कहते थे कि यदि नसरुद्दीन शाह मदद नहीं करते तो वे यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, आक्रोश ओम पुरी जी के सिने करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। ओम पुरी जी ने 1991 में अभिनेता अन्नू कपूर की बहन, निर्देशक, लेखक सीमा कपूर से शादी की, लेकिन उनकी शादी 8 महीने बाद खत्म हो गई और फिर उन्होंने 1993 में पत्रकार नंदिता पुरी से विवाह कर लिया। ओम पुरी और नंदिता पुरी का एक बेटा है जिसका नाम ईशान पुरी है। दोस्तों, ओम पुरी जी अपने आप में एक अद्वितीय अभिनेता थे। अगर हम इनके प्रदर्शन की विविधियां पर विचार करें तो बहुत कम कलाकार उनकी बराबरी कर सकते हैं। उन्होंने व्यवसायिक और आर्टिस्ट दोनों प्रकार की फिल्मों में आसानी से काम किया। इनकी प्रभावशाली आवाज और स्क्रीन पर उपस्थिति आकर्षक थी। इन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकी दोनों फिल्मों में काम किया। ओम पुरी बहुमुखी अभिनेता थे और बहुत आसानी से सभी प्रकार की भूमिकाओं को निभाने में माहिर थे। गंभीर भूमिकाओं में अभिनय करने के अलावा ओम पुरी जी ने फिल्म हेरा फेरी, दुल्हन हम ले जाएंगे, माला माल बीकली और मिस टनकपुर में कॉमेडियन की भूमिका निभाई थी, जो काफी उल्लेखनीय है। हैंड शेक कर लियो। ओ थम जा प्रधान, थम जा, टट्टी वाले हाथ तो लेने दे। मारे गुरु जी ने कहा था, लैट्रिन से निकल के जो सामने दिखा है उसको प्रणाम जरूर करना। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? क्यों? वो इसलिए कि जो अंदर खाली करके आए हो उसको वो आदमी भरेगा वापस। दोस्तों, ओम पुरी जी का टेलीविजन में योगदान काफी सराहनीय था। वर्ष 1984 में ओम पुरी जी ने टीवी धारावाहिक ज्वेल इन क्राउन में अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने मिस डिसूजा की भूमिका निभाई थी। गोविंद निहलानी का प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक तसम को अभी भी ओम पुरी जी की सफलता।
अलविदा कह गए। दोस्तों, ओमपुरी जी के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक छा गया और बड़ी बड़ी हस्तियां उनके अंतिम दर्शन को आई। ओमपुरी जी अपने निधन के 2 दिन बाद ही सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग पर जा रहे थे, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था कि ओमपुरी जी शूटिंग से पहले इतनी दूर चले जाएंगे। आज ओमपुरी जी तो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फिल्मों के माध्यम से वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में एक घंटी आएगी, उसको दबा दें, जिससे क्या है कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। We'll be right back.